बुलंदशहर के दबंग ग्राम प्रधान द्वारा दलित समाज के दो लोगों पर आलू चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। इतना नहीं, पिटाई के बाद भरी पंचायत में दोनों लोगों पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। वहीं भरी पंचायत में दबंग प्रधान द्वारा की गई पिटाई का वीडियो किसी अज्ञात युवक द्वारा बना लिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। वहीं इस मामले में जब पीड़ित लोगों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम की शिकायत उनके द्वारा बुलंदशहर SSP जिलाधिकारी DIG मेरठ से की गई है। आरोप है कि इस प्रकरण में 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि सलेमपुर थाना प्रभारी राजनीतिक दबाव के चलते कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे अपने परिवार के साथ बुलंदशहर SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर SP संतोष कुमार सिंह ने बताया कि IGRS की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक युवक ने मारपीट की शिकायत कराई थी। जांच में पता चला है कि दो युवकों ने किसी के यहां से एक बोरा आलू चुरा लिया था, जिस पर गांव के प्रधान ने पंचायत कर एक एक थप्पड़ दोनों को मारे और मामला शांत करा दिया था। जानकारी में आया कि गांव इन लोगों का समझौता भी हो गया है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव बड़ौदा में भरी पंचायत में दो युवकों को पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, इसमें क्या कार्रवाई की गई है और अब तक की तफ्तीश में सर क्या मामला निकल कर सामने आया है? देखिए, दिनांक 10/1 को, इसी महीने में 10 जनवरी को, एक सूचना IGRS के माध्यम से एक शिकायती पत्र मीनू नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो बड़ौदा गाँव का रहने वाला है और अनुसूचित जाति का है, उसके द्वारा मारपीट की एक सूचना दर्ज कराई गई थी IGRS में। उसकी जांच हमने कराई, जांच में पाया गया कि प्रेम जाट, मीनू और राकेश, जो दोनों अनुसूचित जाति के हैं, तीनों ने मिल करके गांव के ही रिंकू कुमार नाम के व्यक्ति के कालू के खेत से एक बोरा आलू चोरी से निकाल लिए थे। इस पर गांव में एक पंचायत बैठी थी। पंचायत में जब मामला सलटने की स्थिति में आया तो जो ग्राम प्रधान था उसने सलटाने के इरादे से एक एक थप्पड़ मीनू को और राकेश को पीटा था। इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन जब जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची तो शिकायतकर्ता मीनू कुमार ने बताया कि मैं शिकायत कोई नहीं किया हूं, हमारे गांव में एक A1 जाट नाम के व्यक्ति हैं जो आगामी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमारी ओर से IGRS में प्रार्थना पत्र डाल दिया था और उन्हीं के माध्यम से एक वीडियो तैयार किया गया है और हमारा आपस में समझौता हो गया है। एक समझौता नामा भी जिस पर 10-12 लोगों के हस्ताक्षर हैं, मीनू जो पीड़ित था कथित रूप से, उसके द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया। फिर भी हमने इस मामले में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है और संबंधित पक्षों को 151/716 के अंतर्गत पाबंद कराने के निर्देश दिए हैं। क्या वारदात हुई आपके साथ, जो ये क्या वारदात? जी बाबू जी, हमारे गांव में चोर है प्रेम नाम का, जो आए दिन चोरी करता है, उसने एक गांव में ही आलू खोद लिए थे और हमारे गांव के प्रधान ने और एक कलवा है हमारे गांव में चौधरी साहब, वो भी प्रधान है, हारा हुआ प्रधान है, उन्होंने हमारा नाम जबरदस्ती लिखवा दिया जी उससे, मेरे साथ ही चोरी में थे जबकि हम बेकसूर थे, पूरे गांव के सामने कहते रहे जी। फिर क्या हुआ? हम अपनी आस औलाद के सामने कसम खाते रहे कि हम चोर नहीं है, लेकिन गांव वालों ने एक फैसले दी और हम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया जी। भरे गाँव में हमें मुर्गा बनाया गया और हमारे साथ मारपीट बहुत बुरी तरह से करी गई, जिसकी वीडियो उन्होंने बनाई और पूरे गांव में वायरल कर दी सर। हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ। किसने मारपीट की आपके साथ? कलुआ प्रधान ने और गब्बर प्रधान ने जी। क्या प्रधान वर्तमान में प्रधान है? हाँ जी, गब्बर सिंह वर्तमान प्रधान है। और 3,000-3,000 रुपए दंड के रखे और 3,000-3,000 रुपए हम पे दंड के रखे गए। मार तो लगे रही है। क्या आप अपनी इस पीड़ा को लेकर आप किसी अधिकारी से मिले हैं अभी? हाँ जी, हम बुलंदशहर गए, वहाँ से भी हमने रिपोर्ट करी वकील द्वारा, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हम यही देखते रहे कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं था। और शिकारपुर कोतवाली में, शिकारपुर कोतवाली में जी, सलेमपुर थाने का, सलेमपुर थाने में कंप्लेंट दी इसकी। पुलिस वाले आए, वो बोले कागजेंस को फैसलो कर लो, नहीं कोर्ट कचहरी तो जाना पड़ेगा। अच्छा, हम पे पुलिस ने ही दबाव बनाया, उल्टा कि इसका फैसला कर दो, लेकिन कानून कार्रवाई उनका कोई नहीं सर। हमारी बहुत बेइज्जती हुई गांव में, हम दिखाने लायक नहीं है, तब हम सब वीडियो दिखाते हैं हमारी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden।
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।